नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना में हुए करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश NSUI के प्रवक्ता सुहद्र तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त और निर्देशक डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए इन दोनों को इस घोटालेबाजी का मास्टरमाइंड बताया। निदेशक उमेश प्रताप सिंह पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि इन पर पहले से आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं, उसके बावजूद सरकार इन पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है। तिवारी ने उमेश प्रताप सिंह को इस पूरे घोटाले का सूत्रधार बताते हुए सवाल उठाया है कि उमेश प्रताप सिंह ने बैंक खाते में अपना नंबर क्यों डलवाया। इन दोनों अधिकारियों, आयुक्त उच्च शिक्षा और निदेशक उमेश प्रताप सिंह ने उच्च शिक्षा मंत्री को भी गुमराह किया, जो अपराध है। ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में NSUI भोपाल जिला अध्यक्ष आशुतोष चौक से मेडिकल विंग समन्वयक रवि परमार, हुजूर विधानसभा अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, IT सेल प्रदेश संयोजक अक्षय परमार, भव्य सक्सेना शामिल रहे। महाघोटाले पे चुकी है सरकार, जब से आई है तो सरकार घोटालों की सरकार है। तो आज एक हम महाघोटाले के बारे में आपसे बात करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। और ये घोटाला उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ घोटाला है। और इस घोटाले के बारे में मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कई मीडिया के साथियों ने हमसे फ़ोन पे मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि PC शर्मा जी का कार्यक्रम है, उस कारण से थोड़ा विलम्ब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब बात मैं करता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना, जो सन 2005-06 में मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा पास की गई थी, उस विषय में रखी गई है। उस योजना में ये था कि प्रत्येक छात्र का 12 रुपये वो उससे बिना बताए इनडायरेक्ट रूप से काट लिया जाता था। उसका उद्देश्य ये था कि जो भी छात्र थे, जो छात्र कॉलेज या महाविद्यालयों में, शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ रहे थे, उनको रोजगार देने के लिए शासन ने इस योजना का निर्माण किया था। लेकिन उस योजना को शुरू हुए आज 15 साल हो गए। आज जब 2020 में उस योजना में जो तत्कालीन डायरेक्टर थे, वो जब डायरेक्टर पुनः मूल विभाग में अपने लौटे, तो उन्होंने उस योजना में करोड़ों रुपए की, और मैं तो करोड़ों नहीं अरबों रुपए की हेरा फेरी की है। और अरबों रुपए की हेरा फेरी करके बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा हबीबगंज में उन्होंने एक अपना अकाउंट खुलवाया, और उस अकाउंट को खुलवा के उसमें अपना व्यक्तिगत नंबर प्रविष्ट किया। वो व्यक्तिगत नंबर प्रविष्ट क्यों किया, उस व्यक्तिगत नंबर प्रविष्ट करने के पीछे उनका कारण था, जिससे जो भी प्राचार्य उस खाते में राशि डालेंगे तो वो सिर्फ उन्हें पता चले। और इसमें उन्हें आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, जो अभी वर्तमान में है, उनकी पूर्णतः सहमति थी, क्योंकि बिना आयुक्त के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयुक्त का एक फंड है और हम उस फंड को निकालना चाहते हैं, जिसमें मंत्री जी ने भी अनुमोदित किया है। मंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की राशि मान के और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की राशि मान के इस राशि को निकालने के लिए प्राचार्यों को आदेश जारी करवा दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मंत्री जी की संलिप्तता भी होगी, क्योंकि मंत्री जी किस बेस पे साइन किए, कोई भी फाइल मंत्री जी के पास गई तो मंत्री जी किस बेस पे साइन किए। दूसरा, आज तक लगभग 2005 से अगर हम 2020 तक की बात करें तो प्रदेश में 507 शासकीय कॉलेज हैं और 500 शासकीय महाविद्यालयों में आज लगभग 15 सालों में 15 लाख के लगभग छात्र पढ़ चुके हैं। उन 15 लाख लोगों की जो 12 रुपए की राशि है वो कहाँ गई, उस राशि का इन लोगों ने क्या किया, उच्च अधिकारियों ने क्या किया, क्या वो राशि इसके पहले निकाली जा चुकी है। साथ ही इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जिन पे जब उमेश कुमार सिंह, जो अभी तत्कालीन डायरेक्टर उच्च शिक्षा विभाग है, जब उन पे वित्तीय अनियमितताओं के चार्ज इसके पहले भी कई बार लग चुके हैं, वो इसके पहले हिंदी ग्रंथ अकादमी में थे, वहाँ भी इनके ऊपर लगा, उच्च शिक्षा विभाग से इन्हें भगाया ही इसलिए गया था कि आपके ऊपर आर्थिक अनियमितताओं के चार्ज लगे, उसके बावजूद भी यहाँ पे उनकी पुनः पदस्थापना 15 सालों बाद सेम पोस्ट कैसे हुई, ये एक जाँच का विषय है। मैंने इस मामले में महामहिम राज्यपाल महोदया को भी ज्ञापन दिया है,
और उनसे मांग भी की है कि वो इस मामले पे एक निष्पक्ष जांच कमेटी बनाएं और ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी जो मंत्री को गुमराह कर रहे हैं या मंत्री की भी संलिप्तता हो, जो आयुक्त को साथ लेके सेम पद पे 15 सालों में क्या उनकी कोई पदोन्नति नहीं हुई फिर भी सेम पद में आ रहे हैं, मतलब आपकी इसके पीछे मंशा साफ जाहिर हो रही है कि आप उस पैसे का, जिस पैसे को बिना कैबिनेट की मंजूरी के नहीं निकाला जा सकता, आप उस पैसे को आयुक्त देने वाला हूं। उस कागजात में आप देखेंगे कि आयुक्त के बाकायदे सिग्नेचर से पत्र जारी हुए, सभी प्राचार्यों को एक पत्र लिखा गया कि उस निधि को इस खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जबकि आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर कैबिनेट से पास होती है तो कैबिनेट से पास किसी भी चीज़ के लिए अगर उस पर हम संशोधन या कुछ करते हैं तो या तो विधानसभा या फिर कैबिनेट में ही उस चीज़ को लाया जाता है। लेकिन डॉक्टर उमेश कुमार सिंह जो अभी डायरेक्टर हैं उच्च शिक्षा विभाग में, उन्होंने नियम विरुद्ध एक अपने रिटायरमेंट का प्लान करते हुए उन्होंने वो राशि अंतरित वो आहरित की, अभी भी उसमें लगभग करोड़ों की राशि, मैं आपको लिस्ट भी दूंगा कि लगभग 74 कॉलेजों से उन्हें राशि प्राप्त हो चुकी है, लगभग 30-40 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें वो मतलब राशि तो प्राप्त हुई लेकिन अभी राशि प्राप्ति का पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस चीज़ पे उन्होंने किया। उसके अलावा जब 12 रुपये की फीस छात्रों के खाते से काटी जा रही है तो ये छात्रों को क्यों नहीं बताया गया, पहला सवाल तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप कोई उठा रहे हैं कोई भी चीज़, अगर आप पैसा छात्रों से ले रहे हैं तो वो छात्रों के वेलफेयर में कितना लगाया गया, ये एक प्रश्न उठता है। और इस प्रश्न पे इन्होंने आज तक 2005 से 2020 तक में उच्च शिक्षा विभाग के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है जो इन्होंने रोजगार मेले लगाए हों या कैंपस ड्राइव की हो, साथ ही उन्होंने अपने नाम पे बैंक खाता जो खुलवा लिया उसमें नंबर किस हैसियत के साथ उन्होंने डाला, क्योंकि नंबर तो जब खाता खुला है तो एक तो वित्त विभाग से आपने अनुमति नहीं ली, दूसरा आपने व्यक्तिगत नंबर किसी बैंक खाते में जो शासकीय यूज के लिए खाता खोला जा रहा है वहाँ आपने व्यक्तिगत नंबर डाला, इसके पीछे आपकी क्या मंशा थी, तीसरा था कि आपने मंत्री को भी गुमराह किया, इन लोग डायरेक्टर और आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग ने अभी जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव उनको भी गुमराह करने का काम किया, उनको इन्होंने का। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.